राजधानी दिल्ली में नशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर ब्लॉक नंबर 3 बारात घर के फर्स्ट फ्लोर पर SPYM संस्था द्वारा ड्रग एक्टिव लोगों को फ्री में इलाज किया जाता है और दवाई दी जाती है, और जो लोग अपनी मर्जी से यहाँ रहना चाहते हैं उनको रखा जाता है और उनका हर तरीके से ध्यान रखा जाता है, खाने पीने उठने बैठने, ताकि वह ड्रग्स की लत को छोड़ दे। ड्रग्स एडिक्ट सेंटर SPYM के डायरेक्टर सज्जाद अली ने बताया कि हम लोग यहाँ पर 14 से 15 लोग रहते हैं जो अपनी मर्जी से नशा छुड़ाना चाहते हैं। उनको सरकार द्वारा डॉक्टर महीने में 4-5 बार देखने आते हैं और उनका हर चीज़ से ध्यान रखा जाता है। SPYM संस्था पिछले कई सालों से चलाई जा रही है, जिसका फायदा सीधा सीधा ड्रग एडिक्ट लोगों को होता है, ताकि वह नशे की लत को छोड़ दे। यह एक अच्छी पहल है सरकार द्वारा। ये जिस तरह मेरी नॉलेज है, जो मैं देखता हूँ यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र बना हुआ है बारात घर 3 नंबर ब्लॉक में। जी जी। और इसके फर्स्ट फ्लोर पे नशा मुक्ति केंद्र है, और यहाँ पर जो लोग जो नशा करते हैं, ड्रग्स का स्मैक वगैरह लेते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर, और वो अपना इलाज कराते हैं और अपना ठीक ठाक होकर चले जाते हैं, नशा छोड़ने के लिए आते हैं। ये इनसे कोई पैसा लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये? नहीं, जितना मेरे नॉलेज में तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सब गवर्नमेंट के थ्रू होता है। ये जो नशा मुक्ति केंद्र है, यहाँ पर जो लोग आते हैं अपने स्वयं इच्छा से आते हैं, और इनका जो मिनिमम कोर्स पीरियड फिक्स किया गया है इनका, कि मिनिमम 45 दिन का और मैक्सिमम 3 महीने का। जो जब ये लोग आते हैं यहाँ पर, तो उनको दवाई वगैरह यहाँ से मुफ्त दी जाती है, इनका रख रखाव खाना वगैरह सब मुफ्त ही होता है, इनको सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, सारी चीज़ें फ्री में ही दी जाती है। नशा मुक्ति केंद्र है, इसमें फ्री इलाज चलती है, बढ़िया चलती है, जो कोई भी आता है दवा भी लेता है, बढ़िया मिलती दवा भी मिलती है। कितने टाइम से आप हो यहाँ पर? यहाँ पर सर 8-9 साल हो गए हैं लगाते हुए, इसी साल में बना देते हैं।